ये डॉक्यूमेंट्री मापोगो नामक शेरों के एक झुंड की कहानी है, दक्षिण अफ्रीका के साबी सैंड इलाके की। शेरों के शिकार की कला और उनके सहवास को दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ दृश्य दर्शकों को विचलित कर सकते हैं। फिल्म मेकर्स और फील्ड गाइड्स पिछले 16 सालों से शेरों के एक परिवार पर नजर रखे हुए हैं और उस परिवार के शेर मशहूर हुए मापोगो के नाम से। उन्होंने उनकी बड़ी असाधारण हरकतें देखी हैं और इस दौरान मापोगो अपने नए इलाके की तलाश में निकले और उसकी खोज भी कर ली। जैसे ही उन्होंने अपने पहले इलाके पर कब्जा जमाया, तब से ही खूनी खेल शुरू हो गया था। इन 6 शेरों ने जितने बड़े इलाके पर कब्जा जमाया था, उतने बड़े इलाके पर पहले कभी कोई शेर कब्जा नहीं कर पाया। उनका तरीका ही बड़ा हिंसक था। वो अपने सामने आने वाले हर खतरे को खत्म कर देते थे। हमारा अंदाजा है कि उन्होंने साल भर के अंदर करीब 100 शेरों को मार डाला था। मापोगो जितने हिंसक और खतरनाक शेर बहुत कम ही होते हैं। उनकी कहानी में हमें शेरों के एक स्याह पहलू को देखने का मौका मिलता है और जीने के लिए उनके संघर्ष का भी। उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के साबी सैंड गेम रिजर्व की सरहद मिलती है क्रूगर नेशनल पार्क से। येलोस्टोन से दोगुना ज्यादा बड़े क्रूगर में जंगली जीवों की कमी नहीं है और वो रास्ता सीधा साबी सैंड इलाके तक जाता है। जहां इतने शिकार हों, वहां शेरों की कमी कैसे हो सकती है? यहीं पर करीब एक दशक के दौरान फिल्म मेकरों और फील्ड गाइडों ने मापोगो शेरों की जिंदगी का चरम देखा है। शेरों का परिवार स्पाटा तो कई पीढ़ियों से साबी सैंड में रह रहा है। सन 2002 में वो परिवार 10 बच्चों की परवरिश कर रहा था। उनमें से 5 शेर थे। बचपन में तो उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें नाम मिले, स्कार, प्रिटी बॉय, रास्टा, किंकी टेल और मिस्टर टी। ये छोटे भाई बड़े होकर मापोगो के नाम से मशहूर हुए। जब वो शेर काफी छोटे थे, तब मैं भी साबी सैन में शेरों के बीच ही था और मुझे याद है कि उस वक्त भी स्पाटा परिवार में कई बच्चे थे। उस परिवार में 5 शेर थे तो मुझे याद है। हमने उन शेरों को तब से देखा है जब वो कुछ महीने के थे और उसी वक्त हमें अंदाजा हो गया था कि उनमें से कुछ बच्चे दूसरों से ज्यादा दबंग और उत्सुक हैं। वो नई नई चीजों के पीछे भागते थे, नए नए जीवों का शिकार करना चाहते थे, जबकि कुछ चुपचाप अपनी जगह पर पड़े रहते, थोड़े घबराए हुए से नजर आते और दूसरों को देख देख कर ही कुछ सीखने की कोशिश करते। उन सभी बच्चों में से मुझे सबसे अलग लगे थे दोनों सबसे छोटे भाई, मगर उनमें से भी एक कुछ ज्यादा ही दबंग था। वो बचपन से ही लीडर लगता था और उसके पीछे हमेशा उसका छोटा भाई तैयार रहता था।
उनकी वो जुगलबंदी तो बड़ी छोटी उम्र से ही नजर आने लगी थी। बाद में पता लगा कि वो जोड़ा है मिस्टर टी और किंकी टेल का। मापोगो परिवार के उन दो सबसे छोटे सदस्यों का सिर्फ वो रिश्ता ही उन्हें परिवार के दूसरे बड़े सदस्यों से अलग नहीं करता था। दोनों बच्चे बड़े ही खास थे। पूत के पांव तो पालने में ही नजर आने लगे थे। एक बार उस परिवार ने एक भैंसे को धर दबोचा। परिवार के एक बड़े सदस्य मपोगो के बाप ने उस लाश पर कब्जा जमा लिया। वो बेचारा उसकी लाश को पकड़े खड़ा था जबकि ये दोनों नन्हे शेर जल्दी जल्दी उसे खाने में जुटे थे। इससे ये भी पता लगता है कि दोनों बच्चे उस उम्र में भी कितने निडर थे। बाप अगर एक बार भी पंजा मार देता तो उनकी छुट्टी हो जाती। वो उस वक्त बहुत छोटे थे मगर उनकी हरकतों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि उतनी बहादुरी दिखाने वाला या तो मिस्टर टी था या फिर किंकी टेल। जिन लोगों ने मापोगो बच्चों को छोटी सी उम्र में देखा था उन्हें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिनों में वो बेहद खतरनाक शेर साबित होने वाले हैं। जब वो पांचों भाई साथ में थे तब हम सभी मान चुके थे कि एक दिन वो जंगल पर राज करेंगे। आठ में से एक ही शेर वयस्क होने तक जी पाता है। एक स्वस्थ और बड़े झुंड की रक्षा ताकतवर शेरों की जिम्मेदारी होती है और जब उस झुंड में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने पहले साल की मुश्किलों से लड़ने में आसानी होती है। हम शेरों के परिवार को शेरनियों की वजह से प्राइड कहते हैं। शेरनियां आमतौर पर जिंदगी भर एक ही इलाके में रहती हैं और उनकी बेटियां भी बड़ी होकर उसी परिवार को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए शेरों का एक प्राइड कई दशकों तक बना रहता है। मगर शेर एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं और अपना एक अलग संगठन बनाते हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े इलाके में घूमते हैं, इसलिए कई बार अपने जन्म की जगह से बहुत दूर भी पहुंच जाते हैं। मपोगो नाम से मशहूर हुए शेरों के बापों ने भी ऐसा ही एक संगठन बनाया था। वो वेस्ट स्ट्रीट के शेर थे और उन्होंने कई प्राइड्स पर कब्जा जमा लिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वेस्ट स्ट्रीट के शेर बड़े अच्छे बाप थे। वो बड़े सहनशील भी थे। शेरों के बारे में आम विचार यही है कि वो कुछ खास नहीं करते, बस दिन भर पड़े रहते हैं, सहवास करते हैं और शेरनियों के शिकार खा जाते हैं। मगर मुझे तो लगता है कि एक प्राइड में शेर बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वो अपने इलाके की गश्त लगाते हैं, बच्चों की हिफाजत करते हैं और शेरनियों की रक्षा करते हैं। किसी भी प्राइड के लिए शेरनियां बड़ी ही अहम होती हैं। वो पूरे परिवार को एकजुट रखती हैं। शेर तो आते जाते रहते हैं मगर शेरनियां कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार से जुड़ी रहती हैं, जिससे शेरों का परिवार सामाजिक रूप से मजबूत बनता है। दुनिया में बड़ी बिल्लियों में शेर बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं और जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तब उनके परिवार से बेहतर कुछ और होता ही नहीं। वो सबसे दमदार होते हैं। स्पार्टा प्राइड में 10 बच्चे थे जिनमें से 5 नन्हे मापोगो भी थे। इतने बड़े परिवार के लिए शिकार भी बड़ा चाहिए, लेकिन स्पार्टा शेरनियों और वेस्ट स्ट्रीट के शेरों ने शिकार को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था।
जब किसी बड़े शिकार की बात आती है तब शेर बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वो इन बड़े और खतरनाक जीवों का शिकार करने में मददगार साबित होते हैं। एक जिराफ जितने बड़े जीव का शिकार करना शेरों के लिए भी आसान नहीं होता और उसकी वजह है जिराफ का कद। जिराफ की एक दुलत्ती भी एक शेर का काम तमाम कर सकती है। खतरा तो बहुत ज्यादा होता है मगर कामयाबी पर इनाम भी बड़ा मिलता है। अगर शेरनियां किसी बड़े जीव को दबोचने की कोशिश कर रही हो तब शेर भी उनका साथ देने आ जाते हैं और वेस्ट स्ट्रीट के शेर भी अलग नहीं थे। एक वयस्क नर जिराफ का वजन करीब 1300 किलो तक होता है और उससे स्पार्टा प्राइड कई दिन तक अपना पेट भर सकती है। साबी सैंड जैसी जगह पर छोटे शेरों के लिए हर कदम पर खतरा मंडराता रहता है। जब मिस्टर टी और किंकी टेल काफी छोटे थे तभी मापोगो बंधुओं का उभरता साम्राज्य अचानक खत्म होने लगा था। सन 2003 में मापोगो बंधु यानी मिस्टर टी, किंकी टेल, रास्टा, प्रिटी बॉय और स्कार 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के थे। उनका जन्म एक बड़े से दमदार परिवार में हुआ था जिसमें उनकी हिफाजत करने वाले शेरों का एक अच्छा संगठन था। उनकी माएं स्पार्टा प्राइड की शेरनियां बड़ी खतरनाक शिकारी थीं। स्पार्टा शेरनियों ने उन बच्चों को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना सिखाया था, शिकार करना। शेर के बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही शिकार करने की कला तराशने लगते हैं। वो अपने इलाके में रहने वाले हर जीव का पीछा करते हैं, फिर वो अपना हुनर तराशने के लिए अपने इलाके से बाहर निकलते हैं और हौसला बढ़ने के बाद वो अलग अलग किस्म के शिकार पर हमला करते हैं। कई बार तो ऐसे जीवों पर भी टूट पड़ते हैं जो उनका शिकार होते ही नहीं। मैंने उन्हें साही पर हमला करते देखा है और ये तो हनी बैजर से भी भिड़ जाते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर के छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, जो सही तो नहीं होता पर इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और इसी तरह से सीख कर वो भविष्य में अच्छे शिकारी बन पाते हैं। मापोगो बंधुओं को तो भविष्य में ज्यादा बड़े और दमदार शिकारों का शिकार करना था, खासकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक जीव जंगली भैंसों का। मैंने जंगली भैंसों का जो सबसे बड़ा झुंड देखा था उसमें करीब 1400 भैंसे थे। उसके अलावा भैंसों के छोटे बैचलर ग्रुप भी होते हैं जिनमें 15 से 20 भैंसे होते हैं और वो आमतौर पर नदी किनारे रहते हैं। ऐसे ही झुंड ज्यादातर शिकार बनते हैं। एक बड़े जंगली भैंसे का वजन करीब 900 किलो होता है, यानी एक औसत शेरनी के वजन से करीब 6 गुना ज्यादा और एक बड़े शेर से करीब 4 गुना ज्यादा। भैंसों के सींग मुड़े हुए और नुकीले होते हैं, वो शेरों को सींगों से बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेरों को भैंसों का शिकार करते देखना बड़ा रोमांचक होता है,
लेकिन हर बार शेरों के घायल होने या मारे जाने की संभावना 50-50 होती है। आमतौर पर वो एक बार में एक ही भैंसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर वो किसी अकेले भैंसे को पकड़ भी लेते हैं तो वो बहुत तेज शोर मचाता है और इस तरह से आवाज लगाकर वो अपने लिए मदद बुलाता है। उसकी गुहार सुनकर दूसरे भैंसे भी उन शेरों पर हमला करने आते हैं जो एक अकेले भैंसे को दबोचे रहते हैं। जरा सोचिए तब क्या हालत होगी जब भैंसों का पूरा झुंड टूट पड़े। हजारों हजार किलो के ये भैंसे बड़े ही आक्रामक तरीके से आतंक की दीवार की तरह शेरों पर टूट पड़ते हैं। मैंने देखा है कि भैंसों ने एक वयस्क शेर को हवा में उछाल दिया और वो दो गुलाटियां मारकर वापस जमीन पर आया। इतने खतरों के बावजूद ये नन्हे मपोगो बंधु इतने बड़े शिकार को ठिकाने लगाना तभी सीख पाएंगे जब ये खुद बड़ों के साथ शिकार में शामिल हों। शेर के बच्चे अपने परिवार से सबसे अहम सबक सीखते हैं। वो सीखते हैं कि आने वाले दिनों में वो कैसे किसी बड़े शिकार को दबोच सकते हैं और इसके बाद ही वो बड़े होने पर ज्यादा दमदार और स्वस्थ भी होते हैं। स्पार्टा प्राइड अक्सर शिकार पर परिवार के बच्चों को भी ले जाता है और बच्चे भी बड़ों से ज्यादा दूर नहीं रहते। 100 में से 90 बार तो यही होता है कि जंगली भैंसे शेरों पर जवाबी हमला करके उन्हें खदेड़ देते हैं। परिवार के बड़े भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नन्हे मपोगो और उनके भाई बहन भैंसों के भड़के हुए हमलावर झुंड के बीच फंस गए हैं। जब भैंसे हमला करते हैं तो लगता है जैसे वो सामने खड़ी बड़ी से बड़ी दीवार भी गिरा देंगे और तब शेर भी उनसे दूर भागते हैं। मैंने उन्हें काफी दूर से ही देखा था और मुझे तो लग रहा था कि उन भैंसों के बीच फंसे बच्चे कहीं उनका शिकार न बन जाए। जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड झाड़ियों में छिपे शेर के बच्चों की तलाश में जाता है और जैसे ही कोई बच्चा मिलता है वो उसे उछाल देता है और पैरों तले रौंद डालता है। वो तो उसे अपने सींग से भी गोदने की कोशिश करते हैं मगर आमतौर पर अपने पैरों से उछालते रहते हैं और फिर उन्हें रौंद कर मार डालते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब स्पार्टा प्राइड के कुछ बच्चे मारे गए थे तब पूरे परिवार में मातम छा गया था। स्पार्टा परिवार के कुछ शेरों को भैंसों ने मार डाला था मगर 5 नन्हे मपोगो खुशकिस्मत थे जो बच गए। ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने इन भाइयों के लिए कुछ और सोच रखा है। अगर वो बच्चे भी मारे जाते तो कभी वो शानदार मपोगो गठबंधन नहीं बन पाता। मिस्टर टी, किंकी टेल, रास्टा, स्कार और प्रिटी बॉय ने हर चुनौती का सामना किया और अपनी जिंदगी का पहला बेहद मुश्किल साल बिता लिया, लेकिन अब उनके सामने आने वाली थी एक नई चुनौती, एक नया खतरा। सन 2003 में स्पार्टा प्राइड के इलाके में एक अनजान शेर घुस आया। जब किसी इलाके में कोई नया शेर आता है तब परिवार के छोटे बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता है। कोई शेर किसी इलाके पर कब्जा जमाने के बाद सबसे पहले हर बच्चे को ही मारता है। मगर नन्हे मपोगो बड़े खुशकिस्मत थे, किसी ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, पर घुसपैठिए ने उन बच्चों को नहीं मारा। इलाके में आया नया शेर भी अपनी जान बचाकर भागा था। असल में स्पार्टा शेरनियों और वेस्ट स्ट्रीट के शेरों ने उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया था।
हमने जो भी देखा था वो मेरे ख्याल से शायद पहली बार हुआ था। अक्सर होता यह है कि परिवार का दबंग शेर या सरदार बाहर से आए शेर को या तो मार डालता है या उसे खदेड़ देता है, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि उसके साथ किसी ने ऐसा नहीं किया और उसे बहुत जल्दी अपने परिवार में शामिल कर लिया। मुझे तो लगता है वो शायद उन 5 नन्हे शेरों का सौतेला भाई था, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र करीब 4 साल थी और उनके बाप उसे सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रहे थे कि वो भी शायद आसपास के किसी प्राइड में उनकी ही औलाद था। अगले 1 साल में उस नए शेर मखूलू को स्पार्टा प्राइड ने पूरी तरह अपना लिया और वो अब परिवार का सदस्य ही नहीं, उन 5 नन्हे मपोगो शेरों का बड़ा भाई भी बन चुका था। उसी 1 साल के दौरान फील्ड गाइडों ने देखा कि मिस्टर टी और किंकी टेल के बीच जो रिश्ता बचपन में बना था वो अब और ज्यादा मजबूत हो गया था और वो अब हमेशा साथ साथ ही रहते थे। मिस्टर टी ज्यादा दबंग था और किंकी टेल उसका वफादार सिपह सलार बन चुका था। वो हमेशा मिस्टर टी की मदद के लिए तैयार रहता था। ये भी कह सकते हैं कि वो उसका साथी बन चुका था। वो साये की तरह मिस्टर टी के साथ रहता और हर मुश्किल वक्त पर उसकी मदद भी करता था। उन दोनों के बीच बड़ा ही कमाल का रिश्ता बन चुका था। उन्हें साथ रहना बहुत पसंद था और ये बहुत बड़ी बात थी। मगर नन्हे शेरों की जिंदगी में शांति ज्यादा वक्त तक नहीं रहती। जब वो सहवास की उम्र के हो जाते हैं तब उन्हें परिवार से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें अपने बलबूते पर रहना पड़ता है। सन 2004 में 5 नन्हे मापोगो के साथ उनसे 2 साल बड़े मखूलू को भी उनके पिताओं ने अपने प्राइड से खदेड़ दिया। अब ये बेघर बंजारा शेर अपने दम पर जीने को मजबूर हो चुके थे। उन्हें अकेले शिकार करना पड़ रहा था और उनका अपना कोई इलाका भी नहीं था। उनके प्राइड में कोई शेरनी भी नहीं थी और उन्हें लगातार गश्त लगाते दमदार शेरों से भी खतरा बना रहता था। जब ये शेर बेघर बंजारों की तरह रहते हैं तब किसी और वक्त के मुकाबले ज्यादा शेर मारे भी जाते हैं। सबसे अहम बात ये थी कि वो सब अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पर थे वहां उन्हें अपनी जिंदगी अपने बूते पर काटनी थी। वो घर छोड़ चुके थे, अब उन्हें अकेले ही मैदान में लड़ना था या मैदान छोड़कर भागना था। मगर वो 6 शेर थे, ये बात उनके लिए बड़ी ही अहम थी। साथ रहने की वजह से ये 6 शेर हर मुश्किल चुनौती का सामना ज्यादा आसानी से कर सकते थे। मापोगो संगठन बन चुका था, मगर इन्हें अभी काफी लंबा सफर तय करना था। उसके बाद ही ये इतने बड़े दमदार और दबंग हो सकते थे कि अपना एक नया इलाका तय कर सकें। शुरू शुरू में तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था क्योंकि उन सभी का आयाल निकलना शुरू हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने नाम से पहचाने जाने लगे। सबसे पहला तो था मकुलू, वो सबसे बड़ा था। वो काफी हट्टा कट्टा शेर था, उसका आयाल भी काले रंग का था, बहुत ही सुंदर शेर था। फिर दूसरे को प्रिटी बॉय कहा जाने लगा। वो देखने में बड़ा ही सुंदर शेर था। उसके बाद स्क्यूज पैन था या जख्म के निशान वाला शेर। उसकी पीठ पर बाएं कूल्हे और रीढ़ की हड्डी के बीच एक गहरा निशान था। चौथे का नाम था रास्टर ऑफ ड्रेडलॉक। उसके आयाल में कुछ फंसा हुआ था जिसकी वजह से वो सचमुच ड्रेडलॉक लगता था। मिस्टर टी,
उसका आयाल बहुत ही सुंदर था और छटा था किंकी टेल। ये थे छह मापों को। मापोगो एक स्वाजी शब्द है जिसका मतलब होता है सुरक्षा दस्ता या वो ग्रुप जो साथ में काम करता है। उस वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ था लेकिन आज लगता है कि हाँ वो इसी तरह से काम करते थे। छोटे शेर जब पहली बार घर छोड़ते हैं तो दो समस्याओं का सामना करते हैं। एक तो ये कि छोटी उम्र की वजह से वो ज्यादा समझदार नहीं होते और नर होने की वजह से वो आलसी होते हैं, इसलिए उन्हें अपना पहला शिकार करने में भी परेशानी होती है। मापोगो बंधुओं को इससे पहले कभी किसी बड़े जानवर का शिकार खुद नहीं करना पड़ा था। जीने के लिए उन्हें सबसे पहले तो शिकार करना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों तक मापोगो बंधु अपने शिकार के हुनर को तराशेंगे, अपने अंदर हौसला पैदा करेंगे और तब किसी बड़े शिकार पर हमला करेंगे। लेकिन भले ही छह शेर साथ में हैं, फिर भी उन्हें ये सब सीखने में वक्त लगेगा। ये आम तौर पर मौके का फायदा उठाते हैं और जहां भी कोई लाश मिल जाती है ये टूट पड़ते हैं। कई बार ये शेरनियों को भी खदेड़ देते हैं ताकि जल्दी से अपना पेट भर सके। लेकिन जब आसपास कोई दबंग और तेज तर्रार शेर होता है तब इन मापोगो बंधुओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन वो वक्त भी आ गया जब मापोगो बंधु ऐसे शिकारी बन गए जो उन्हें बनना था। वो भैंसों पर ज्यादा हमले करने लगे थे लेकिन उन्होंने दरियाई घोड़ों को भी नहीं छोड़ा और छोटे गैंडों को भी, और अपने पिताओं की तरह ये भी जिराफ का शिकार करने में कामयाब हो गए। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो साथ मिलकर ही शिकार किया करते थे। किंकी टेल एक फॉक्स टेरियर जैसा था और सामने आए किसी शिकार को नहीं छोड़ता था। वो बड़ा तेज तर्रार था, ज्यादातर दौड़ भाग भी वही करता था। मखुलू मापोगो ही ये फैसला लेता था कि उनकी टीम किस शिकार पर हमला करेगी और पहला हमला भी वही करता था। फिर किंकी टेल उस शिकार को दबोचने की कोशिश करता और भैंसे को दबोच लेता था। मिस्टर टी और किंकी टेल हर बार हमले के केंद्र में रहते थे। वो शिकार के वक्त हमेशा सबसे ज्यादा आक्रामक रहते थे। सच तो यह है कि इन शेरों ने भैंसों का शिकार करना सीख लिया था, जो इनकी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो अब काफी बड़े और दमदार हो चुके थे। जैसे जैसे इनका आत्मविश्वास बढ़ा इनमें से एक शेर कुछ ज्यादा ही हौसला दिखाने लगा। किसी शिकार के बाद जब वो उसे खाने लगते थे तो मिस्टर टी अक्सर बाकी सबसे कहीं ज्यादा आक्रामक लगता था। वो किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता था, भले ही उसके लिए उसे अपने भाइयों से ही क्यों ना लड़ना पड़ता।
वो उनसे लड़ने से भी नहीं हिचकता था। मिस्टर टी भले ही सबसे छोटा था, फिर भी वो पूरी टीम पर अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी थी। मपोगो बंधुओं में मखोलू के अयाल का रंग सबसे गहरा था और वही उनमें सबसे दबंग भी था। स्याह रंग के अयाल वाले शेर बड़े ही दबंग होते हैं। उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जब भी दो शेरों का मुकाबला होता है तब यही माना जाता है कि काले अयाल वाला शेर सुनहरे अयाल वाले शेर को हरा देगा। शुरुआत में तो यकीनन मखोलू ही सब पर हावी था, वही सबका बॉस था। उसने बाकी पांचों को दूर कर रखा था। मिस्टर टी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। मखोलू के नेतृत्व में ये छह बंजारे शेर आत्मविश्वास से भरे खतरनाक शिकारी बन चुके थे। अब इनका गठबंधन अपने इलाके पर कब्जा जमाने को तैयार था। हमें बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद तो थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होगी ये पता नहीं था। मापोगो बंधु अब अपने पहले इलाके पर कब्जा जमाने को तैयार थे। सन 2006 में मखोलू के नेतृत्व में पांचों भाई प्रिटी बॉय, स्कार, रास्टा, किंकी टेल और मिस्टर टी पूरे इलाके में आतंक मचाने को तैयार थे। ऐसा आतंक जैसा साबी सैंड में पहले कभी नहीं देखा गया था। ज्यादातर फील्ड गाइडों ने तो पहले कभी छह शेरों को एक साथ देखा भी नहीं था। मुझे वो दिन याद है जब मैंने पहली बार साथ में देखा था। उस रोज वो सुबह सुबह झील में पानी पीने आए थे। मैं समझ गया था कि वो पानी पीने जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी कार उसी हिसाब से वहीं रोक ली थी। कुछ ही देर बाद वो वहां एक एक करके पानी पीने आने लगे और फिर वहां छह के छह शेर साथ में पानी पी रहे थे। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आता, ये मेरी आज तक की बेहतरीन फोटो है। हमने सोचा भी नहीं था कि वो छह शेर हमें साथ में दिखेंगे। हमारे लिए ये बहुत ही अस्वाभाविक बात थी। इस तरह के समूह में सबसे अहम बात होती है कि उसका आकार कितना बड़ा है। उसमें अगर 3 से 4 दमदार शेर हों, तब इस बात की संभावना ज्यादा रहती है कि वो किसी इलाके पर कब्जा जमा ले। और 6 शेरों का ये समूह तो काफी दमदार था। मापोगो बंधु किसी भी इलाके पर सिर्फ अपने दमखम से ही कब्जा जमा सकते थे और उनका पहला मुकाबला बड़ा ही अहम साबित होने वाला था। सन 2006 में मापोगो बंधु साबी सैंड के उत्तरी इलाके में पहुंचे, जहां राज था 4 दबंग शेरों का। जब शेर किसी नए इलाके में जाते हैं तो शुरुआत में काफी शांत रहते हैं, मगर ये आंधी तूफान की तरह आए और कहर बनकर टूट पड़े। वो बहुत शोर मचा रहे थे, दहाड़ रहे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने इलाके की हदबंदी शुरू कर दी। उत्तर के शेरों ने अपने इलाके और परिवार की हिफाजत शुरू कर दी। मगर वो मापोगो बंधुओं के सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने उन 4 में से 1 शेर को मार डाला और बाकी बचे 3 शेर वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने सामना करने का हौसला भी नहीं दिखाया, वो उनके सामने टिक ही नहीं सकते थे। आखिरकार मापोगो बंधुओं ने काफी बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया।
ये वो इलाका था जहां से वो अपने दबदबे और अपनी ताकत को और बढ़ा सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपने पहले इलाके पर कब्जा जमाया, उनका खूनी खेल भी शुरू हो गया। उसी वक्त वो साबित कर चुके थे कि उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। अगले एक साल में मापोगो बंधुओं ने अपने सामने आए हर उस शेर को ठिकाने लगा दिया जो उनके लिए खतरा बन सकता था। जब शेर सामने ज्यादा शेरों की तादाद देखते हैं तो वो भाग निकलते हैं, और वहां के शेरों ने भी यही किया, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो जान से जाते। ऐसा लगता था जैसे 6 गुंडे खून की होली खेलने के लिए यहां आए हों। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, उनका इलाका भी बढ़ता जा रहा था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो दूसरे शेरों को क्रूगर की ओर खदेड़ते जा रहे थे और अपना इलाका बढ़ा रहे थे। किसी भी इलाके पर कब्जा जमाने के लिए सबसे जरूरी है कि उस इलाके में रहने वाले दूसरे शेरों को वहां से खदेड़ दिया जाए। हमें फिक्र थी, उन इलाकों में कई परिवार बसे थे, उनमें बहुत से बच्चे भी थे। उन परिवारों में रह रहे बच्चे 6 से 8 महीने के थे और हम उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वो अपने रंग में आने ही लगे थे कि तभी उन्होंने उन पर हमला कर दिया। जब नए शेर किसी इलाके में आकर वहाँ कब्जा जमाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा वहाँ रहने वाले छोटे बच्चों को ही होता है। वो शेर वहाँ सौतेले बाप की भी भूमिका नहीं निभाते और ना ही दूसरे शेरों के बच्चों को पालना चाहते हैं। शेर जब किसी इलाके पर कब्जा जमाते हैं तब वो सबसे पहले तो वहाँ रहने वाले परिवारों के बच्चों को मारते हैं, फिर उस शेरनी को भी जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ज्यादा जोर लगाती है। शेरनियां अपने इलाके में किसी नए शेर को देखते ही हरकत में आ जाती हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों के करीब आ जाती हैं और फिर दूसरी शेरनियों के साथ मिलकर उस घुसपैठिए शेर का सामना करने की कोशिश करती हैं। अगर बच्चे थोड़े साहसी हुए तो शेरनी उन्हें लेकर कहीं और चल पड़ती है ताकि उस घुसपैठिए से संघर्ष न करना पड़े। अगर बच्चे लाचार और मजबूर हों तो शेरनी को शेर का सामना हर हाल में करना ही पड़ता है। मैं ऑटवा प्राइड की निगरानी कर रहा था। उस प्राइड में 3 शेरनियां और 11 बच्चे थे। मापोगो बंधु भी उसी प्राइड की तलाश में थे और उनका उस परिवार से सामना भी हुआ। वो लड़ाई बड़ी ही हिंसक थी क्योंकि शेरनियां हर हाल में अपने बच्चों को बचाना चाहती थीं। उसका गुस्सा बहुत ही जबरदस्त था। शेरनियां अपने बच्चों की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ती हैं। वहां बहुत कुछ हो रहा था, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, हमारी गाड़ी के आसपास काफी हंगामा मचा था। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि एक शेरनी उन शेरों से बचने के लिए हमारी गाड़ी के ऊपर से ही कूद जाएगी। इन सभी मामलों में मापोगो बंधु छोटे बच्चों को मार रहे थे। शेरनियां अपने बच्चों को बचाना चाहती थीं, लेकिन मापोगो बंधु उनके ऊपर भी भारी पड़ रहे थे। एक भड़का हुआ शेर बस एक ही बात सोचता है, दूसरे शेर के बच्चों को मार डालो। ऐसे में उन शेरनियों के पास कोई रास्ता नहीं था। जब मां का सुरक्षा घेरा टूटा,
तब उन खूंखार मापोगो शेरों और ऑटवा प्राइड के छोटे बच्चों के बीच कोई दीवार नहीं रह गई थी। अगर 6 खूंखार शेर किसी के पीछे पड़े हों तो उनसे अपने बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो बच्चे तो मजबूर थे, कमजोर थे, वो भला उनके सामने कहां टिक पाते। पूरे ऑटवा प्राइड में मेरे ख्याल से 11 बच्चे थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। जब शेर बच्चों का शिकार करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, तब अच्छे अच्छों का दिल दहल जाता है। मैं तो एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसा होता ही है, फिर भी मैं वो नजारा नहीं देख सकती।